वज़ीर आज़म इमरान खान इस वक्त जलसा आम से खिताब कर रहे हैं। गलती हो गई, सॉरी, मौलाना नहीं फजल रहमान, क्योंकि मौलाना आलम दीनों की दीन की मैं इज्जत करता हूं। तो मैं फजल रहमान से पूछता हूं कि 30 साल से हर हुकूमत में आप शामिल हुए हैं, दीन के नाम पे सियासत करते हैं, मैं आपसे पूछता हूं कि कभी आपने किसी मगरबी रहनुमा के मुंह से एक लफ्ज भी निकाला इस्लामोफोबिया के खिलाफ, बल्कि किसी से बात भी की? हमारे मदरसों के बच्चों को आप निकालते हैं इमरान खान के खिलाफ, तो उनको क्या कहते हैं कि ये यहूदी लॉबी है। तो शर्म आनी चाहिए कि जिसको यहूदी कहते थे उसने वो काम किया है जो आपने आज तक 30 साल में नहीं कर सके। ये 1973 के बाद, 1973 में पाकिस्तान की असेंबली ने फैसला किया था, जो लोग हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी पैगंबर नहीं मानते वो मुसलमान नहीं हैं। ये 1973 की असेंबली ने फैसला किया था। उन्होंने कहा था कि कायदियानी जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानते वो मुसलमान नहीं है, वो अकलियत है। ये उसके बाद ये सबसे बड़ा काम हुआ है मुसलमान दुनिया के लिए कि आज यूनाइटेड नेशंस ने तस्लीम किया है कि इस्लामोफोबिया के खिलाफ दुनिया को आवाज बुलंद करनी चाहिए, और 15 मार्च हर साल इस्लामोफोबिया का दिन बना दिया गया है।